नमस्कार। तेरे होते हुए महफिल में जलते हैं चराग, तेरे होते हुए महफिल में जलते हैं चराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चराग। रूबू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में हमारी आज की शख्सियत, जिन्होंने रेडियो, दूरदर्शन और सिनेमा में अपने कलम का जादू बिखेरा है, एक जानी मानी ब्रॉडकास्टर रही हैं। शी इज एमिनेंट राइटर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर अचला नागर। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका हमारे शो में। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे शो में आने का। ये हमारी प्रिविलेज है कि आज आप हमारे शो में आई हैं, और मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानूं समझती हूँ कि आप आज हमारे साथ हैं और मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। आप ब्रॉडकास्टिंग की अगर हम बात करें, यू आर अ लेजेंड, यू आर अ लिविंग लेजेंड। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि एक देश के जाने माने साहित्यकार श्री अमृतलाल नागर की आप पुत्री हैं, और आपकी जो अपनी जर्नी है कला के क्षेत्र में वो बहुत इंस्पिरेशनल है। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हम भी आपकी उस जर्नी का हिस्सा बने। जी बिल्कुल, आपने मेरे पिता का भी स्मरण किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक वो ऐसा वटवृक्ष है जिसके तले बहुत सारे हरे भरे वृक्ष पनपे। बहुत सीखा जी उनसे, और मैं सौभाग्य से उनकी पुत्री के रूप में मुझे जन्म मिला, और अनजाने ही रक्त में बहुत कुछ प्राप्त किया उनसे। तो जी आज सबसे पहले मैं बाबू जी को नमन करूंगी और उन्हें धन्यवाद करूंगी। जी हमारा भी नमन जी। आपकी जो यात्रा रही है, आपकी जो यात्रा है, उसके बारे में हम चाहेंगे कि हम भी आपका हिस्सा बने। आप किस तरह से आपने लेखन में आई, फिर आप आकाशवाणी से आपका बहुत गहरा संबंध रहा, तो हम चाहेंगे कि हम आपका जो पूरा जर्नी है हम आप हमसे साझा करें। मेरी यात्रा बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि जी अनजाने में अलग अलग जैसे गंतव्य हैं, कोई निर्णय नहीं लिया था क्या करना है क्या नहीं। पर जैसे जी गाड़ी पटरियां बदलती जाती है, अपने जी आप मुझे कहाँ से मेरे जीवन की गाड़ी अपने आप आगे बढ़ती रही। जी बचपन में, जैसा कि आपने अभी कहा, बाबूजी के पुत्री के रूप में मैंने जन्म लिया लखनऊ में, जी और उनके पास रहने का, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के पास रह के बड़ा होता है, वो सौभाग्य मुझे बहुत कम मिला। मुश्किल जी से मैं जन्म के बाद से 6 वर्ष की अवस्था तक माता पिता के साथ रह पाई। उसके बाद मैं अपनी नानी के पास आगरा, जी आगरा में ही परवरिश हुई मेरी। वहीं मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, और सारे जो मैं कहूँगी रंग कर्म और साहित्य पठन, लेखन, ये सारे बीज वहीं पड़े। क्योंकि मेरे साथ मेरे बड़े भाई डॉक्टर शरद नागर, तो जी हम लोगों ने बचपन में ही वहाँ आगरा जननाट्य संघ इप्टा, जिसके बाबू जी जी ने बम्बई में आदरणीय ख्वाजा अहमद अब्बास, बलराज सहनी जी, आदरणीय पृथ्वीराज कपूर जी, इन लोगों ने इप्टा को जन्म दिया था। लेकिन आगरा इप्टा, बम्बई इप्टा के पहले राजेंद्र घोषी जी 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 थे, तो मैं उनको, भले ऐसा नहीं है पर फिर भी मैं उन्हें अपना मानस गुरु, नाट्य गुरु मानती हूँ। कि कॉलेज में रहते, आगरा कॉलेज से मैंने शिक्षा पाई, और वहाँ रहते उस समय लड़कियाँ काम नहीं करती थी मंच पर, बिल्कुल मंच जी पर बिल्कुल नहीं काम करती थी। लेकिन मेरे भाई शरद भाई जो थे, वो भी आगरा कॉलेज में पढ़ते थे, तो वो बड़े लोग डरते थे कि ये अचला को लेकर आएगा स्टेज पर, पता नहीं क्या होगा, पहली लड़की आएगी। लेकिन उनकी हिम्मत, उनका साहस, कि उन्होंने अपने साथ रंगमंच पर आगरा कॉलेज में आई पहले, तो फिर रघुवंशी जी ने पता किया, बोले अरे आजकल तो अचला आ रही है तो करेगी नाटक। फिर इप्टा के साथ में नाटक करती रही, परंतु ये यात्रा बहुत कम समय चली। कारण कि जब मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, कॉलेज जी में भी नहीं आई थी, और 13.5 वर्ष की थी,
मेरी माँ ने मथुरा के एक व्यवसायी परिवार एलपी नागर लक्ष्मण प्रसाद जी नागर वहाँ जी मेरा रिश्ता तय कर दिया, सगाई हो गई। और बीएससी पार्ट वन तक मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी, अरे बिल्कुल वाह, मैं इंटर में तैयारी कर रही थी कि मैं ये मेडिकल की एग्जाम दूंगी, लेकिन चूंकि सगाई हो चुकी थी तो मेरे ससुराल वालों तरफ से ये कहा गया कि हम प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, तो कोई मतलब नहीं था एमबीबीएस का। तो फिर मैं जी बीएससी ज्वाइन कर लिया और पार्ट वन होते न होते मेरा विवाह हो गया। फिर एक बड़ी दिलचस्प बात हुई, मैं उस समय 17.5 वर्ष की थी, तो जी विवाह के बाद एक रस्म होती थी मथुरा के घर में, तो मेरे ससुर भी जीवित थे, बहुत भरा पूरा परिवार, जी मतलब 30-35 लोग परिवार थे। तो वहाँ जी एक रस्म होती थी कि जो बहू होती है उसको एक थैली में काफी रुपए रुपए भरे होते हैं कि हाथ डालो और गिनो, जी उसके बाद पूछा जाता है कि कितने रुपए, क्या करोगी इसका, क्या चाहिए तुम्हें। तो मैंने बताया, मुझे ये था कि मैं अंदर से एक घुटन थी कि मैं डॉक्टर भी नहीं बन पाई और मैं बीएससी भी नहीं पूरा कर पाई। तो मैंने बस जी यही कहा, मैंने कहा कि अपने फादर इन लॉ से कहा, उनका बाबूजी मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। क्या बात, तो उन्होंने क्या बड़े बात, सहज स्वीकार किया और 1 साल में आगरा रही और वहां रह के बीएससी फाइनल पास किया और डोली वापी मथुरा में आ गई मेरी। और उसके बाद मतलब जो कुछ नहीं आता था, खाना बनाना, सिलाई करना और बुनाई करना, इतने बड़े परिवार में वो सब ना सिर्फ किया, बड़ी खुशी खुशी किया, सीखा। क्या बात। और 5 वर्ष के भीतर ही मेरे मेरा बड़ा पुत्र संदीपन मेरे विवाह के 2 वर्ष बाद मेरे पास के लिए उसने माँ बनाया। तो इस तरह करते करते फिर यात्रा और आगे बढ़ी, लेकिन वही तब तक मैं निपुण हो गई थी गृह कार्य जी में। और हाँ जी एक बात बताऊं मैं, कि जिसे कहते हैं ना घाट घाट के पानी पीना, सबसे पहले जैसे ही मैंने बीएससी का रिजल्ट आया, मेरी जो ससुराल में आयुर्वेदिक दवाओं का मेरे ससुर के समय से आज तक बहुत बड़ा एक दवाओं का एक कंपनी है, तो मेरे पति दवाएं बनाते थे, तो जी मुझे एनालिटिकल केमिस्ट के रूप में, क्योंकि मैं बीएससी मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया गया और मैं वहाँ लेबोरेटरी में काम करती रही। फिर वक्त आगे निकलते निकलते फिर हम कुछ वक्त इलाहाबाद में भी रहे, वहाँ से जब मैं लौटी 68 में तो आकाशवाणी मथुरा खुल चुका था। क्या ये बात, एक मैं तो बचपन से, मैं आपको बताऊं, मेरी पहली कमाई आकाशवाणी लखनऊ से हुई। अरे वाह, लखनऊ जब जाती थी, हाँ अपने घर से बाबूजी के पास जाती थी, तो बच्चों के प्रोग्राम में 5 रुपए मिले, वो पहली कमाई वाह, थी। फिर दूसरी कमाई जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रही थी, विविध भारती का जन्म हो चुका था सन 57 में, क्या तो बात मैंने बहुत चतुर जिसे कहूँ, लिखना जी तो था ही, छप रही थी, 15 साल की आयु में पत्रिकाओं में छप रही थी, मैं लिखती थी। तो मैंने एक लिखा, एक कार्यक्रम अपना घर आता था उन दिनों विविध भारती जी से, नया नया शुरू हुआ था, तो मैंने कॉलेज के पते से ही डाक से भेज दिया विविध भारती, और वो ब्रॉडकास्ट हो गया, पता नहीं मुझे 15 रुपए का चेक फिर से आया कॉलेज के पते। वाह, इस तरह आकाशवाणी की मेरे पहली जेब गर्म हुई थी। उसके बाद जैसा मैंने कहा अभी बात मैंने छोड़ी थी, तो जब 68 में अब हम फिर इलाहाबाद से घूम फिर के, तब मेरा छोटा पुत्र सिद्धार्थ भी आ चुका था, दोनों बच्चे संदीपन सिद्धार्थ, हम फिर मथुरा आ गए। तब तक आकाशवाणी मथुरा खुल चुका था, छोटा सा स्टेशन, वहाँ ऐसा नहीं होता जैसे आप लोग आज बैठे हुए हैं, एक छोटा सा चांदपुर हाउस था, वही चांदपुर हाउस में उन्होंने छोटे छोटे 2 स्टूडियो, एक अनाउंसर का, एक बाकी नाटक वाटक हम करते थे। तो जी वहाँ पर वहाँ से खुद चल के उस समय पैक्स थे पंडित गिरीश चतुर्वेदी, उन्हें पता जी लगा कि अमृतलाल नागर की बेटी मथुरा में है, तो वो आए घर आए, कहने लगे अच्छा तुम यहाँ घर में रहती हो, कुछ करो हमारे यहाँ आओ। मैंने कहा मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, यहाँ तो बहुत बड़ा नाम है, ये लोग नहीं बहू को नहीं जी भेजेंगे। बोले लिखो तो सही, लिख तो सकती हो। मैंने कहा अच्छा, मुझे याद है 69 से मेरी ये जो व्यावसायिक लेखन कहूंगी, क्योंकि आकाशवाणी के लिए पहले भेजा, जिससे फिर ये यात्रा शुरू हुई,
टोना नाम का एक जादू टोना जो होता है, टोना नाम जी का आधे घंटे का पहला प्ले था, वो मथुरा से ब्रॉडकास्ट हुआ। फिर ये लिखती रही लिखती रही, फिर मुझे वॉइस के, ड्रामा वॉइस के रूप में ए ग्रेड वॉइस तक पहुंच गई। और फिर क्या क्या बात हुआ, जी। तो फिर क्या हुआ कि 71 आ गया, और इस बीच में एमए भी ज्वाइन कर चुकी थी मैं। सुबह अरे वाह 7 बजे अपने बच्चों को और पति देव सबके लिए नाश्ता बना के 7 बजे भागती भागती, कॉलेज था वहां पर किशोरी रमन बॉयज कॉलेज, वहां जाके एमए। एमए क्यों करना था मुझे, कि मुझे वो जो एमबीबीएस नहीं कर पाई थी तो मुझे डॉक्टरेट लगानी थी अपने नाम के साथ, क्या बात डॉक्टर वाह प्लान आगे लगानी। तो इसलिए मैं एमए कर रही थी कि एमए कर लूंगी फिर पीएचडी करूंगी। एमए कर रही थी मैं, सुबह जाती थी फिर आके। फिर 71 आ गया, मेरा फाइनल ईयर था आने का। तब वहाँ नाटक वगैरह में जाती थी तो पैक्स थे, आप जानते होंगे, आप शायद को भी दिल्ली और इधर के जम्मू वगैरह के लोग, ये टेलीविजन में जो पहली अनाउंसर थी श्रीमती प्रतिमा पुरी, दिल्ली वाले जानते होंगे उनको, जी। उनके जो पति देव थे वो पैक्स थे वहाँ पर, आरसी पुरी साहब मथुरा में थे। जी अब वहाँ एक वैकेंसी निकली अनाउंसर की मथुरा में, तो वो मेरे घर आ गए, बोले असला तुम ये फॉर्म भर दो। मैंने कहा पुरी साहब आप तो कमाल कर रहे हैं, ये काम में गया, वॉइसिंग हो गई, लिखने लगी, ये तो नामुमकिन है कि एलपी नागर खानदान की बहू जॉब करेगी, और बहुत कुछ होना था। ना चाहते हुए ऑडिशन चलते रहे 4 दिन, रोज मुझे फोन करते थे कि देखो अभी तक वो वॉइस नहीं मिली जो मैं तुम्हें चाहता हूँ। फाइनली मैं टॉप कर गई, और बड़ी जी हिचक के बाद मैंने कहा, फिर आखिरी तीर छोड़ा मैंने, मैंने कहा मैं तो एमए फाइनल कर रही हूँ, मुझे पीएचडी करनी है, आप मुझे ड्यूटी पर लगा देंगे। बोले तुम घबराओ मत, तुम सुबह कॉलेज जाओ, मैं तुम्हारे साथ नाइट ड्यूटी लगाऊंगा। इस तरह वो शुरुआत भी हो गई, अनाउंसर थी मैं। जी लेकिन विद इन नो टाइम, क्योंकि मुझे काम करना जीवन में हमेशा, अगर मेरा कोई पूछे असला नागर आपकी क्या शौक है, आप हॉबी क्या है, व्यस्त रहना, काम करना, वाह अच्छे काम वाह करना और अनोखे काम करना, ये था क्या अपना। तो बात अवसर आया मैं छोड़ती नहीं थी, और खुद करना काम को। तो बस फिर क्या, लोगों को लगता है तो वहां फिर युवा अनाउंसर थी मैं, लेकिन ड्यूटी आवर सुबह खत्म हो जाए, युवा वाणी करें, नाटक विभाग पूरा, ऑडिशन से लेके नाटक लिखना, ऑडिशन लेना, इस स्वेच्छा से करती रही। और वहां रहते मुझे ये फायदा हुआ, मैंने ओबीज बहुत, ओबीज में ऐसी ऐसी जगह, जैसे अली उन दिनों क्या था, आकाशवाणी मथुरा जो था उसमें 6 जिले आते थे, आगरा, जी भरतपुर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, तो उन जगहों को मैं जाती थी हर महीने में एक बार। और वहां से संबंध, जैसे अलीगढ़ के ताले हैं, नीरज जी थे वहाँ, नीरज जी जी हैं, मैनपुरी एटा में डाकुओं ने समर्पण किया, तब वहां डाकुओं, लंबे लंबे डाकू मैं यूं देखती थी उस दिन, अरे बात करके समर्पण के बारे में। आगरा में कोठों पर पहुंच गई मैं, वहां मैंने अरे तवायफों से लिए, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा, मेरा एक पिक्चर था 1 घंटे का। तो पहले तो क्या बहुत बात गालियां खाई उनसे मैंने, वो बहुत नाराज हुए औरतें, कहने लगी यार तुम हमारा वैसे ही हमारा बहुत समाज ने मजाक बनाया हुआ है, अब तुम हमारा मजाक बनाने आई हो। मैंने कहा नहीं, मैं देखिए मैं भी औरत हूँ, मैं आपके दुख दर्द टटोलने आई हूँ, उनको साझा करने आई हूँ, लोगों को बताने आई हूँ कि आप भी औरत है, महिला है। तो इस तरह अवसर मिले तो मैंने पूरा फायदा उठाया। उसी में एक बहुत खूबसूरत अवसर, कभी सब मिले लगता बहुत, एक जो बहुत खूबसूरत वो भी थी जो मैं कभी नहीं भूल सकती, आपने और बहुत सारे दर्शकों ने ताजमहल को चांदनी रातों में खूब देखा होगा, दूधिया बिल्कुल नहाए हुए बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन जी मैंने जिस रंग में देखा है वो नहीं देखा होगा हर। हम लोग ऐसे, एक शाहजहां का उर्स था, 300 जी शायद 67 या ऐसे नंबर उर्स में, ताजमहल के चबूतरे के एक तरफ कवि बैठे थे, एक तरफ शायर बैठे थे, वाह मुशायरा कवि सम्मेलन। तो हमारे साथ प्रोड्यूसर भी गए थे, गंगा नाथ चतुर्वेदी जी और कुछ लोग और थे, लेकिन करना मुझी को था। तो वहां होते होते
सुबह तो हो ही जाती है ऐसे प्रोग्रामों में। सुबह करीब सूरज निकल आया और जब हम उतरे सब पैकअप करके, तो और फिर मुड़ के देखा ताज को, ताज गुलाबी रंग का, क्योंकि वाह, जो आसमान सुर्ख हो चुका था सूरज की वजह से, तो गुलाबी वो जो था खूबसूरत, वो अधिकतर नहीं देखा होगा। तो इस तरह की बड़ी सुंदर यादें हैं, और इतनी साहस मिला। मैंने हमेशा आकाशवाणी में जो काम किया, और छोटे पद पर, तब मैं अनाउंसर थी लेकिन काम करती थी शौक से, तो मैं हमेशा आज तक, अब सब कहते हैं नहीं आपने तो फिल्म, ठीक है मैंने बहुत काम किया, बहुत लेखन किया, लेकिन मेरी पाठशाला आकाशवाणी ही रहा। क्यों? आप भी आकाशवाणी से जुड़ी, आप जानती होंगी कि ऐसे परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है आकाशवाणी, एंड टाइम पर पता लगे मीटिंग में, मीटिंग हो रही है और एएस जी पूछते थे फला फला टॉपर आने वाला है, फला फला वो फीचर है, स्क्रिप्ट आ गई तो पैक्स मेरा मुंह देख रहे हैं, नहीं तो मुझे वो कहते थे आपको एयर पर जाना है आज प्रोग्राम। अब बताइए कालिदास का मेघदूत, मैं एकदम से आज ही एयर पर कैसे चली जाऊं? लेकिन मैंने वो चैलेंजेस एक्सेप्ट की, दौड़ के घबरा, हाथ पैर फूल रहे, लाइब्रेरी में चले गए, निकाला कालिदास को, क्या लिख सकते हैं, क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे मिक्सिंग कर रहे हैं, एडिटिंग करते, कई कई बार तो ऐसा हुआ कि 2-2 मिनट की एडिटिंग होती गई और ऊपर स्टूडियो था, हम नीचे से ऊपर भेजते हैं। तो ये जो पाठशाला थी, पाठशाला सीखने को मिला यहाँ पर, तो मैं तो हर किसी से, हर व्यक्ति से ये चाहूंगी कि खुद को परीक्षाओं में सामने आए, डरिए मत, क्या उसको, बात, उससे सामना रूबरू होइए और उस काम को करिए, सीखने को मिलता है, और ये फ्री में सीखने को मिलता है, आपको तो तनख्वाह भी मिल रही है और आप सीख भी रहे हैं, बताइए ऐसा स्कूल कहाँ मिलता तो। दूसरी बात कि आपने जो काम किया है, अगर उस काम को आप, मैं मुंबई की जबान बोली मराठी, खातरी कर लेनी चाहिए, मतलब तसल्ली कर लेनी चाहिए कि वो काम जो हुआ है, आपने किया है, वो एयर पर जा रहा है या फिल्म के रूप में जा रहा है, तो परफेक्ट है कि नहीं, इससे पहले कि बिल्कुल कोई उसको निकाल दे तो नाम आपका खराब होगा। तो मैं हमेशा बिल्कुल कहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को जब तक अच्छी तरह ड्रेसअप नहीं कर देती, तैयार नहीं कर देती, तब तक मैं किसी और की गोद में नहीं देती बच्चे को, मुझे भरोसा नहीं। तो क्या ये बात, सब अगर ये सीखेंगे तो सबके काम आएगी ये बात। बिल्कुल बिल्कुल अब आप रेडियो में, तो मैंने आपको बता ही दिया, तो रेडियो का सिलसिला तो फिर क्या हुआ, वो आगे दूसरी जुड़ जाएगी अगर आप, तो फिर रेडियो मुझे कब छोड़ना पड़ा, मैं तो नहीं छोड़े, लेकिन रंगमंच भी देखते। रेडियो की एक बात मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। आपके बहुत ही अनुभव रहे हैं, और एक आपने मुझे खास बताया था जब हम बात कर रहे थे कि आपके हाथ में चोट आई थी और आपने चोट की फिक्र नहीं की, और आप ब्रॉडकास्टिंग को सबसे पहले आपने वो दी, अहमियत दी, तो मैं चाहूंगी वो भी आप हमें जरूर सुनाएं। वो ऐसा हुआ कि जो मैंने ताजमहल की ओबी का जिक्र किया आपको, तो ताज जी की ओबी करके नेक्स्ट डे इवनिंग ड्यूटी थी, करीब 4 बजे करीब रिक्शे में जाती थी मैं, वृंदावन रोड जी पर बहुत दूर था, ऑल इंडिया रेडियो वो काफी दूर था, तो वहाँ एक जगह ढलान रास्ते में पड़ती थी, तो बहुत जी सारे टेप, रिक्शा उलट गया और मैं गिर गई, तो वो रिक्शा का एक जो कोई कील थी वो बहुत बुरी तरह चीर गई मेरे बाजू को, और लेकिन मुझे खून बह रहा है, सब लोग पहचानने लगे थे मुझे, बोले अरे तो अचला नागर जो है नवरंग करती है रेडियो पे, वो ही है वो, मुझे मुझे अपनी चिंता, मेरे टेपों की, उसमें सारा खजाना लाए थे रात भर हम लोग, तो उसको सब कह के अरे आपको, आप पहले डॉक्टर क्या चलिए, मैंने कहा डॉक्टर क्या नहीं, पहले टेप में आकाशवाणी तक पहुंचा दूंगा कोई सामान, तो मैं लेके बाकायदा गई और वहां सौंपा किसी और को, उसके बाद फिर घर लौटी, डॉक्टर के यहाँ गए, वो सब आगे का इलाज हुआ उसका, तो ये तो क्या बात है, बात, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी, क्या जिम्मेदारी बात, में अगर हाँ जिंदा रही इसलिए मैं कर पाई, जिंदा ही ना रहती तो कैसे पूरी करती, तो क्या जिम्मेदारी बात, को हम किसी और पर नहीं छोड़ते। कमिटमेंट।
कमिटमेंट है ये, बहुत खूबसूरत। और जब कोई कहता है ना, जिस तरह से आपने कहा, मैं पिछले दिनों रीटा गांगुली जी से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा आई एम प्रोडक्ट ऑफ आकाशवाणी, तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना प्राउड फील हुआ। और इसी तरह आप भी कहती हैं कि आई एम प्रोडक्ट ऑफ आकाशवाणी, तो ये बहुत बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाती है मेरे लिए कि आकाशवाणी कितना कुछ सिखा देता है, बिल्कुल, आकाशवाणी का वहां मकाम भी कितना ऊंचा मैं है। उसके बाद भी, मैं तो यहाँ वो एक दूसरा परीक्षित फिल्म का आएगा उसके बाद भी, मथुरा के बाद भी मैं 3 साल फिर, अच्छा मैं यूपीएससी का एक इंटरव्यू दिया था मथुरा में रहते जी ही टैक्स के लिए 80 में, जी तो रिजल्ट नहीं आया था उसका। उस बीच में वो, आप जब फिल्म की बात करेंगे तो बताऊंगी कैसे फिर विविध भारती रही मुंबई में, ट्रांसफर यहाँ से लेकर के, तो वो एक यात्रा अलग है, तो फिल्म के साथ जुड़ी हुई है। तो जी बिल्कुल आप अगर फिल्म बिल्कुल जी, मैं अब यही जी हाँ जानना आप चाहूंगी आपसे, आपका मुंबई का सफर, फिल्मों से आपका जो जी सफर रहा उस पे हम अब आते हैं। जी फिल्मों जी से सफर बड़ा दिलचस्प, वो भी मेरी हर यात्रा के साथ कहानी जुड़ी हुई है। जी अभी मैं आपको बिल्कुल बताऊं, मेरे पिता, मैं उस समय जब मैंने कहा 6 साल उनके पास थी मैं, तो बाबूजी उन दिनों करीब 7 वर्ष उन्होंने न चाहते हुए भी आर्थिक कठिनाइयों की वजह से, मुश्किल से 24 वर्ष तक थे वो, तो मुंबई वो रहे। इस समय आप देखिए पंडित, मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी, पंडित नरेंद्र शर्मा जी जिन्होंने की जी विविध भारती की स्थापना की, भगवती चरण वर्मा जी साहित्यकार, जी प्रेमचंद जी लौट आए थे वहाँ से, कुछ समय उन्होंने कुछ फिल्में लिखी लेकिन लौट आए थे वो, और बाबूजी भी आर्थिक कठिनाइयों के चलते गए, मुंबई गए, और वहाँ 8 वर्ष तक उन्होंने 14 फिल्में लिखी जिसमें कुछ जी 8 तो बहुत सफल रही। आखिरी फिल्म 48 में भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी जी की मीरा, वो की हाँ उन्होंने, जी जी और पंडित रविशंकर जी के जो बड़े भाई थे उदय शंकर जी, जो कि बहुत बड़े नृत्यकार थे, जी और उनकी शायद किसी पहाड़ी, शायद अंबाला में, शायद उनका एक वो थी नाट्य एक संस्था थी वहाँ, जहाँ की वो उनकी जो महारत थी उदय शंकर जी की, वो थी कि वो भारतीय नृत्य और विदेशी नृत्य को उन्होंने मिला के, उन्होंने बैले बहुत किए, क्या तो बात उनके लिए एक एक प्रयोगात्मक फिल्म जो अभी मुश्किल से 5 वर्ष पहले कांस फिल्म फेस्टिवल में, कल्पना नाम था उस फिल्म का, बाबूजी के बहुत अनुसार, खूबसूरत फिल्म, बहुत तो वो खूबसूरत फिल्म मैंने, थी। वो वहाँ प्रदर्शित की गई 5 वर्ष पहले, वो बाबूजी का अंतिम रहा। बाबूजी फिर वो, क्योंकि उनका मन यही था कि मुझे साहित्यकार बनना है, मैं कलम जीवी ही रहूंगा, कलम से जो मिलेगा उसमें, तो वो लौट आया 48 में, लखनऊ ही रहे। तो मैं जो बता रही हूँ कि उस टाइम में, अब मैं आपको बड़ी दिलचस्प बातें वहां से बताऊं, कि मैं जी जब बाबू जी के पास रही तो बाबू जी फिल्में लिखते थे, तो हमारा तब इतना उलझा हुआ मामला नहीं था, घर के सामने ही अपने दौर के, शायद गाइड वगैरह में आप लोगों ने देखा हो, तो अपने वर्ष के वो, अपने समय के श्री किशोर साहू जी अपने वक्त के अमिताभ बच्चन थे, किशोर साहू जी की 7-8 फिल्में बाबू जी दो चार सामने रहते थे, उनका बताऊ जी कहते थे, नलिनी जयवंत जी अपने जमाने की बहुत बड़ी हीरोइन जी वो रहती थी, तो वो, तो मैं अभिनय की बात बताऊं, मुझे पहली बार आती रहती थी घर पर, बलराज साहनी जी वो बाबूजी से बड़े थे, वो आते रहते थे, बहुत सारे लोग, अब याद नहीं, बहुत छोटी थी मैं, साहित्यकार भी आते थे, तो वो भी कानों में पड़ता था कि बाबूजी उपन्यास लिख रहे हैं, और वो लेखन का अनुभव, वो साहित्य पर भी आप जब बात करेंगे तो बोलूंगी, ये बम्बई का जी बचपन में जो चीजें कहीं घर कर जाती हैं वो आगे आपके काम आती है, तो वो भी अनुभव है लेखन के मेरे। तो यहाँ पर फिल्मों के लोग, बड़े बड़े लोग, MS सुब्बुलक्ष्मी जी, भारत रत्न MS सुब्बुलक्ष्मी जी, और वो सारे एक्टर्स जो आते थे घर पर, फिर एक बॉम्बे टॉकीज उस समय, श्री साउंड जी स्टूडियो, जी रंजीत स्टूडियो, तो शिवाजी जी पार्क में रहते थे हम लोग, उसके पास ही ये स्टूडियो थे जहाँ बाबू जी की फिल्मों की रात दिन कभी डे कभी नाइट शिफ्ट पर शूटिंग होती थी। साथ में बाबू जी के जो छोटे भाई मेरे चाचा जी थे, वो बाबू जी ने उनको भी लखनऊ से बुला लिया, वो बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर रहे, आखिर तक कम से कम 45 फिल्में उन्होंने छायांकन किया,
तो वो माहौल, तो माहौल इस समय मोरोलेस, हम शूटिंग भी बचपन से देखती, हमने कभी कभी जी ले जाती थी, किशोर साहू जी की माँ ले जाती थी मुझे गोद में उठा के, बहुत में रोली पोली गोल मटोल, तो वो बड़े प्यार ले जाते, तो मैंने शूटिंग है बहुत देखी मैंने, तो शायद कहीं कीड़ा काट गया होगा, कर तो कुछ भी सकती थी मैं, पर शायद कीड़ा काटा होगा। क्योंकि तो मुझे एक बार याद है कि हमारे घर की एक खिड़की में मैं, मुझे किसी ने कहा, 5 साल किसी ने कहा कि हाँ घर के पास शिवाजी पार्क में शूटिंग ये चल रही है, तो मैं अपने विंडो में इसलिए बैठ गई शायद कैमरा इधर आ जाए, शायद मेरी शूटिंग हो जाएगी, तो मैं गाल पर हाथ रख के और पोज बनाए 2 घंटे बैठी विंडो। तो ये था, पर ये तो नहीं पता था कि वापस मैं फिर से बॉम्बे जाना पड़ेगा, बॉम्बे जाऊंगी। क्या तो बात। अब हुआ यूँ, हुआ यूँ कि वहाँ बाबूजी तो आ गए, लेकिन उसी घर में मैं चाचा जी रह रहे थे, उनके 2 बच्चे, मेरे भाई और चाची जी, सब अब नहीं है वो लोग, बच्चे हैं खाली। तो जी मेरा आना जाना वो प्रेम उस घर से बम्बई से बाद तक, शादी के बाद तक टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि तो मैं लेखन करती थी धर्म पत्र का, आपको याद होगा आपने सुना होगा, आपके घरों में आती थी, घर से जी बिल्कुल बड़ा आते आती थे। थी जी साहित्यिक पत्रिका, वो घर में रहती थी। तो अब मैं इधर अब वापिस, क्योंकि मैं आकाशवाणी मैं जब मथुरा में थी और बच्चे थे विवाह हो चुका, तो अब ये नाटक के रंगमंच के और रेडियो के साथ मेरा लेखन भी चल रहा था। मैं हर युग में साप्ताहिक हिंदुस्तान में, कादम्बिनी में, दमदीन सब में जी लिखती थी और बाकायदा छप रही थी। तो जब भी मुंबई जाऊँ चाची जी के घर, तो वहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया, डॉक्टर धर्मवीर भारती बहुत बड़ा नाम है, जी अंधा योग आदि के जो बिल्कुल निष्पात है आपको तो, हाँ तो वो हमारे बिल्कुल घर था दूसरा। तो वहीं पर एक और पत्रिका थी माधुरी, फिल्म फेयर, नव जी भारत, सब कैबिन्स रही एक ही जगह। तो माधुरी में उस समय वहाँ के संपादक थे विनोद तिवारी, अभी जी हैं पर उस समय संपादक थे। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि सर जी आप धर्म के लिए लिखिए, हमारे लिए भी कहानी लिखिए। मैंने कहा कि आपकी भी फिल्मी पत्रिका है माधुरी, फिल्मी कहानी लिखना मुझे नहीं आता, साहित्यिक कहानी जी लिखूँ। बोले नहीं, मैंने एक कॉलम शुरू किया साहित्य मंथन, उसमें कुछ अच्छी कहानी जो कुछ अच्छी तरह की कोई प्रोड्यूसर बनाना चाहे, तो मैंने कहा फिर भी कुछ तो बताइए क्या होता है फिल्मी कहानी। बोले अरे भाई ऑडियंस आती है हॉल में, तो आखिर शुरू में ही ऐसी पकड़ होनी चाहिए कि ऑडियंस बैठी रहे, उसके बाद इंटरवल आता है तो वहाँ कुछ ऐसा, अब छोड़िए कि लौट के आ जाए इंटरवल के बाद चाय वाय पी के, वरना कहें अरे ये बड़ी बेकार फिल्म है, सब कुछ छोड़िए और क्लाइमेक्स फिल्म धमाका नहीं चाहिए। अब आप जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत जल्दी जो करना है वो करना है शुरू से। मैं आपको एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अपने दर्शकों को, अपने मित्रों को, अपने बच्चों को इसी बात में लगे हाथ जिसे कहते बताना चाहूंगी, जी क्यों मैं इतना काम कर पाई और करती रहना चाहती हूँ। दो जी शब्द दूंगी मैं आप सबको, एक तो ये कि जैसे कोई काम भी, फिल्म लिखनी है, नाटक करना है, रेडियो के लिए लेकिन कुछ भी करना है, तो मैं उसको जब आरंभ करने के पहले संकल्प एक मन में होता था, ये लिखना है और इसे, अब कैसे होगा, नियम, दूसरा शब्द है संकल्प के साथ नियम, कि नियम का पालन करूंगी, 2 घंटे रोज लिखूंगी तभी तो फिल्म पूरी होगी, कब पूरी होगी, बिल्कुल उस डेट को पूरी हो जाएगी इस हाँ मंथ में, तो वो डेट नाटक इस दिन मुझे करना है, इस दिन उसका हो जाए, तो ये मन में किसी को बताती नहीं थी, पहला संकल्प और दूसरा नियम, आज तक यही करती हूँ और इसी ने क्या मुझे बात जिताया है, हमेशा पूरा ईश्वर करवा देता है। क्या बात तो वहां से अब मैं, ये बात हो गई, जी उसके बाद आगे गई मैं वापस, फिर मेरी छुट्टी पूरी हो गई, मथुरा आ गई वापस, लेकिन एक हठ लेके आई, हठ योगी हूँ मैं हठ योगी हूँ, हठ लेकर आई कि जी फिल्मी लेखन करना जी है, फिल्मी लेखन कर, जैसा कि मैं आपको अभी आपको बातों से पता लगा होगा कि जी कलम तो एक पिता के साथ जन्म जात, मुझे कलम तो मेरे हाथ में बचपन में ही आ गई थी, क्योंकि मेरी बिल्कुल पहली कहानी बाल पत्रिका में जब मैं 8 वर्ष की तक छप गई, जी एक लल्ला पत्रिका थी इलाहाबाद से छपती थी बाल सखा,
तो उसमें कहानी लिख के लिफाफे में डाल दी, लेटर बॉक्स में डाला है, तो छप के आ गई। बाबूजी हैरान कि ये लिख के छप छप भी गई इसकी कहानी। तो छप क्या तो मैं बात जी, बचपन से छप रही, लेकिन यहाँ फिल्मी कहानी कैसे लिखूं, बड़ी परेशान है और चैन नहीं आया। तो एक मैगजीन आया करती थी उस समय, जिसका नाम था मायापुरी, अभी भी याद है। जी जी बिल्कुल। उस समय उसके संपादक थे ZA जौहर साहब। तो वो पत्रिका में वो हमारे मेरे पास आती थी, एक छोटी सी मुश्किल से पांच चार पांच लाइनों की एक खबर थी, संजय खान साहब और जीनत अमान से जुड़ी थी। कुछ जी उसमें ऐसा था कि आपको पाठ को याद होगा कि हमने आपको बताया था कि इन दोनों ने कब निकाह कर ली थी, कर लिया था, उसके बाद फिर तलाक भी हो गई थी। तो अब सुनने में आया है कि अब्दुल्ला फिल्म बनाने के पहले दोनों हलाला के द्वारा फिर से निकाह करने जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बड़ी गुत्थी सी लगी, ये कैसी गुत्थी है, क्या है ये। तो आकाशवाणी में थी मैं, तो हमारे यहाँ तबला वादक थे बाबू खान साहब। तो बाबू जी खान साहब से पूछा खाका भी क्या होता है, तो उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे निकाह होता है। उसके बाद अगर किसी कारण से ट्रिपल तलाक, जो अभी हमारे जी प्रधानमंत्री जी ने कानून बना जी दिया हमारी मुस्लिम बहनों और बेटियों के लिए, बहुत एक बिल्कुल सांस लेने की जगह बना दी उन्होंने। जी तो बोला ऐसे कई बार तलाक तीन तीन बार कोई फोन पर कर देता है, कोई कई तरीके से कर देते हैं, लेकिन बाद में पछताते भी हैं ये तो गलत हो गया और हमें कैसे करके हम इसे। तो मैंने बाबू खान साहब से कहा तो क्या हुआ, बुला लो मुझसे। बोले नहीं बेटा ऐसे नहीं कर पाते, बाकायदा उसको फिर दूसरा एक निकाह करना पड़ता है, और उस निकाह से भी उससे भी तलाक, उसके बाद फिर दूसरा हलाला कहते हैं, फिर वो निकाह हो पाता है। मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कहा औरत के लिए इतनी बड़ी सजा कि पहले उसके शौहर ने उसे इस तरह से निकाल दिया, फिर दूसरे के पास जाए, फिर उसके अपने आबरू के साथ खिलवाड़ करने दे, फिर वो लौट के आए। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोई ये जान। तो मुझे ये लगा कि चलो कोई बात नहीं, कुछ कहानी में ड्रामा तो है, कहानी तो लिख ही सकती हूँ। तो कहानी लिख के मैंने माधुरी में तो भेज दी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आकाशवाणी मथुरा में मैं ड्रामा वगैरह करती थी, खुद ही करती थी, उसको मैंने जी तोहफा नाम से प्ले किया 1 घंटे का, और बहुत अच्छी फीडबैक मिली, हो गया वो तोहफा। फिर मेरा मुंबई जाना हुआ तो विनोद जी ने कहा कि अशला तुम्हारी ये कहानी जो है वो अक्टूबर अंक में छपेगी, ये कुछ अगस्त की बात। जी मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मैंने तो प्ले बना दिया। बोला अच्छा एक काम और कर दो मेरा, तुम यहाँ कब तक हो। मैंने कहा 5 6 दिन और। बोला बिया चोपड़ा साहब जो है, मैं अगर कहूँ कि जो लेजेंडरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर वी शांताराम महबूब खान साहब, आदरणीय बिया चोपड़ा साहब, ए आसिफ साहब, ये 5 6 नाम ऐसे हैं जिनके मैं बड़े फख्र के साथ कहती हूँ कि मुझे पहली फिल्म उनके कदमों में बैठ के सीखा कि तुम क्या चीज है। तो मैंने वहां, उन्होंने कहा विनोद तिवारी जी ने कि आपको वहां बिया चोपड़ा साहब उस समय इंसाफ का तराजू बना रहे थे, उनकी तो हर जी फिल्म में एक सामाजिक संदेश होता था और डिस्कवर्ड फिल्म बनाते। तो बोले अब VCR वगैरह आ रहे हैं तो वो छोटी फिल्में बना रहे हैं, वीडियो फिल्में 1 1 घंटे की, इस बारे में आप इंटरव्यू करके आइए। तो मैं बहुत बहुत शर्मीली थी, बहुत शाई थी, मथुरा और आगरा की देन थी मैं, तो कहाँ इतनी कंफर्टेबल थी। बोले नहीं नहीं मैं अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, वो खुद लाहौर से, लाहौर में फिल्म जर्नलिस्ट थे पार्टीशन के जी पहले, बोले वो लिखते, जी उनका राइटर के लिए पूरा डिपार्टमेंट है और बहुत इज्जत करते हैं, आप जाइए। मैं वहाँ गई और जैसे कि मैं मथुरा से गई थी, एक पर्स था कंधे पर, वो लटका ही रहता था, उसी में वो विनोद जी को वो जो मैंने रेडियो पर प्ले लिखा था वो भी पढ़ा था। तो खैर उनसे बातचीत की कि आप ये वीडियो फिल्में क्यों बना रहे हैं, बात 10 मिनट में ख़त्म हो गई। पता नहीं कहाँ से जो होना था, कई बार जो होता है, मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि
ये वीडियो फिल्में आप थोड़ी देर लिखवाते एक एक घंटे की, वो कौन कहाँ से? बोले मेरे पास बहुत राइटर्स हैं, बड़े बड़े राइटर्स हैं, ताहिर साहब तो खैर उनके दीपिका से, राही मार चंद्र राय साहब, और बड़े बड़े राइटर, क्या नाम बताऊँ मैं फिल्म का, तो जी या कहीं से। मैंने कहा जी मेरे पास एक रेडियो प्ले है, वो भी कहानी शक्ल में, तो वहाँ विनोद तिवारी जी के पास था वो, तो मेरे पास रेडियो, वही फिर रेडियो प्ले काम आया, 1 घंटे का रेडियो प्ले तोहफा मेरे पर्स में पड़ा हुआ। मैंने जी कहा जी मेरे पास एक वीडियो प्ले है, और तो आप बोले हाँ छोड़ जाइए और परसों फोन कर लीजिएगा, मैं कैसे वो टाइम निकाल के जरूर। ये बात थी उस पीढ़ी में, नहीं तो क्या कौन बात, देखता है आजकल, तो एंट्री नहीं बिल्कुल मिलती लोगों को। बिल्कुल उन्होंने कहा परसों फोन कर लीजिएगा। बहरहाल मैं देख के आ गई, मेरी पसीने पसीने हो रही। तीसरा दिन आ गया, मतलब जब उन्होंने कहा था फोन करिए, मैं बार बार अपनी जी। चाची जी के घर की घंटी बजे उनके ऑफिस की, लेकिन मैं वही बेल रिंग होती थी, मैं काट देती डर के मारे कि पढ़ाई नहीं होगा, इतने बड़े डायरेक्टर थोड़े क्या। और जी बाद में उधर एक दूसरा वर्जन जो बाद में मुझे, अब वो परेशान, मैं उनको फोन नहीं कर रही, वो परेशान कि मैं वो कहानी उनको उधर बहुत पसंद आई, अब वो चाहते थे कि मैं उस पर फिल्म बनाऊं, लेकिन मैं उनको फोन नहीं कर रही थी। फिर एक कॉमन प्लेस पर वो अपने किसी काम से सिटिंग में गए हुए थे कहानी सुनने के लिए, मैं वहां, हमारे पारिवारिक मित्र थे तो मैं वहां गई, तो आमना सामना हुआ और उन्होंने पूछा कि आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया। वह पंडित नरेंद्र शर्मा भी, जो मैंने जी बताया विविध भारती के संस्थापक थे और मेरे जी चाचा जी थे, वो गोद में खेल के बड़ी हुई, तो जी उन्होंने बता दिया था ये नागर जी की बेटी है। तो उन्होंने, चोपड़ा साहब ने पूछा कि आपने मुझे फोन नहीं किया, मैं चुप रही। बोले आपने ये भी नहीं बताया नागर जी की बेटी है, मैं चुप रही। फिर वो बोले कि अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपकी इस कहानी तोहफा पर वीडियो फिल्म नहीं बनाऊंगा, मैं फीचर फिल्म बनाऊंगा, फौरन ही इंसाफ का तराजू की बात। अब मेरी आंखों में मोटे मोटे आंसू, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा होगा। मैं रोने लगी तो एकदम पांव छू उनके मैंने, तो मैंने कहा अब मैं आपको बताती हूँ, मुझे खुशी होगी कि मैं श्री अमृतलाल नागर की बेटी हूँ। अगर कहानी आपको नापसंद होती तो आप कहते आप क्यों इतने बड़े लेखक की पुत्री इतना घटिया लेखन लिखती है, क्या लेकिन आज बात, मैं गर्व से कह सकती हूँ। तो वो इस तरह हुआ, फिर वो मुझे अपने ऑफिस ले गए, मुझे साइनिंग अमाउंट दिया, और ये 16 अगस्त 1980 को उन्होंने मुझे साइन किया और बोले कि बस मैं इंसाफ का तराजू खत्म करके फिर तुम आना और फिर हम शुरू करेंगे काम। और मैं मथुरा वापस आ गई, लेकिन मुझे अब मैंने शुरू किया सिलसिला, मुझे ट्रांसफर मिले। अब मैं बहुत दुधारू गाय थी इसलिए कह रही हूँ दुधारू गाय, मैं काम बहुत करती, जी अनाउंसमेंट तो एक तरफ, मैं बहुत काम करती, ड्रामा सेक्शन ये वो सब। मैंने कहा मुझे ट्रांसफर चाहिए मुंबई से, जो तो कोई नहीं दे रहा था। तो एक बात और अपने परिवार की मैं जरूर बताना चाहूंगी, बाबूजी जी बाबूजी के परिवार से जो मैंने भी आगे तक ये बात जारी रखी कि हमारे यहाँ कोई सिफारिश अपने बच्चों की नहीं करता था, जी तो कहानी लौट आती थी, नहीं बताया गया कि धर्मवीर भारती को कि असला मेरी बेटी है, अपने आप अपने मेरिट पर ही हुआ जो काम हुआ। मैंने अपने जी बेटों संदीप और सिद्धार्थ को कभी आगे, अपने आप ही वो लोग आगे बढ़े। जी तो ये सब होते हुए तो अब, लेकिन एक बार मैंने जीवन में बाबूजी के शिष्य कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, उनका मैं बिल्कुल खुले बोलती, एक बार जीवन में किसी व्यक्ति का मैंने कि मुझे फायदा हुआ। क्या उस समय हमारे रेडियो के वो जी डीजी थे भिक्कू जी जी, कृष्ण चंद्र शर्मा भिक्कू जी जी उस बहुत समय, अच्छे हाँ, राइटर तो वो बाबूजी के पास, बिल्कुल बाबूजी के भक्तों, वो गिरजा गिरजा कुमार माथुर जी, ये दोनों जी तीनों को, ये सब वो भी मान, ये घर में बहुत आते जाते देखा मैंने, मुझे याद था। तो मैं मथुरा से
आकाश वो दिल्ली आई और बिकू जी ने पूछा, अरे बेटा कैसे तुम, कैसे चल रहा है? तो मैंने बताया अपना दुखड़ा रोया। मैंने कहा मुझे ये अवसर मिल रहा है इतना बड़ा और मुझे कोई रिलीव नहीं कर रहा। बोले चिंता मत करो, हो जाएगा। तो मैंने कहा पहली और आखिरी बार एक परिचय का मुझे लाभ मिला कि 15 दिनों के भीतर ही मैं विभाग की मुंबई ट्रांसफर कर दी। क्या बात। और वहाँ 1 साल तो अनाउंसर ही रही, मैं फिल्म लिखती रही, फिल्म का लेखन सीखा। ये फिल्म रेडियो के बाद खत्म कर रही हूँ मैं, फिर फिल्म की बताऊंगी। फिर मैं तो वहाँ 1 साल तो मैं यही रही अनाउंसर। तभी वो जो यूपीएससी आपको बताया कि मैंने यहाँ इंटरव्यू दिया था अस्थि में, उसका रिजल्ट आ गया 11 महीने के बाद और मैं पैक्स हो गई। पैक्स होकर वहाँ फिर मैंने 2.5 साल तक विविध भारती में पैक्स भी रही और बहुत काम किया। उन लोगों के लाए आशा भोसले जी और ऐसे लोगों को जो विविध भारती पत्र तक इंटरव्यू नहीं थी, उनको ज्यादा के बड़ी उनको मेहनत करी और लाई। तो फिर उसके बाद मैंने मुझे ही लगा कि पहली फिल्म का आपको बताऊंगी तो इतना जरूर उसके पहले बताना चाहूंगी कि पहली फिल्म जो आदरणीय बी आर चोपड़ा जी, तो बाद में मेरे पापा बहुत जल्दी बन गए थे, पापा कहती थी आखिर तक उनको मैं, तो वो फिल्म पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई कि हाँ उसके बाद मैं विविध भारती से मैं पैक्स भी हो गई। तो वो ठीक 10 बजे पहुंच जाऊं, कोई पहुंचे ना, ताला तक खुलवाती थी ऑफिस का कई बार, और अपनी चेयर पर काम शुरू और 5 बजे के पहले निकलना नहीं। फिर लोकल पकड़ती थी, लोकल पकड़ के पापा के ऑफिस जाती थी खार, वहां पे हम काम, क्या लिखा रात को घर पर बैठ के वो सुनाना और काम फिल्म लिखना। इस तरह वो फिल्म हो गई। फिर 84 में मैंने बहुत ये लगने लगा कि अब तो मैं फिल्म हिट हो गई और सब कोई मुझे जानता नहीं है, मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया पहली पिक्चर में, सब हो गया, लेकिन बिल्कुल, मैं विविध भारती आखिर में बैठी क्यों? हूँ खाली। हाँ, तो फिर मैंने रिजाइन करने के बारे में रिजाइन किया, और लेकिन फेयरवेल पार्टी नहीं थी। मैंने विविध भारती वाले बड़ी तैयारी की, रो रोने लगी सब लड़कियां, क्योंकि तो बहुत मस्ती करती थी मैं सबके साथ, पैक्स होने के बावजूद बहुत मस्ती करती थी मैं। तो मैंने कहा मैं फेयरवेल पार्टी लूंगी नहीं, आपको खूब पार्टी दूंगी। खूब बढ़िया पार्टी दी, होली का मौका था, होली खेली सबके साथ और आकाशवाणी से मैंने विदा ली। अब मैं फिल्मी सफर की बात करूंगी। निकाह के साथ, निकाह तो मिल गई थी मुझे, तो मैंने पहले ही जब मैं पहुंच गई तो वो बड़े खुशी, कह रही तुम यहीं आ गई। मैंने कहा जी। तो मैंने कहा लेकिन मैं आते आते मुझे 7 बज जाया करेंगे, 5 बजे ऑफिस छूटेगा, लोकल पकड़ूंगी, खार उतरूंगी, आके नो प्रॉब्लम, आई विल वेट फॉर यू। और पापा मेरे लिए वेट करते रहे, तो बोले बस। क्या बात। तो मैंने पहले ही पूछा कि पापा मैंने फिल्में तो लिखी नहीं है। बोले क्या क्या लिखा है? मैंने कहा 150-200 कहानियां छपी हैं मेरी, 50-60 रेडियो प्ले लिखे हैं, फीचर लिखे हैं। और तो बोले अब तुम, कलम तुम्हारी चलती है, कलम से तुमने 2 अलग अलग चीजें लिखी अलग मीडियम के लिए, अब तुम विजुअल मीडियम पर आओ। तो मैंने कहा उसके लिए क्या करूँ? बोले एक ही लेसन दूंगा तुमको, अपने कैरेक्टर्स जो तुम्हारे हैं, तुम्हारा वसीम है, तुम्हारा हैदर है, तुम्हारी नीलोफर है, उनको विजुअलाइज करो कि देखो कैसे वाह मुस्कुराती हैं, कैसे वाह, हंसती हैं, कैसे चलते हैं, उनको विजुअल चलते फिरते तुम्हें दिखाई देने लगेंगे। और फिर कोई नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो, 5 सीन लिखो और जो भी लिखो फिर हम, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। इतने प्यार से काम हुआ, बताइए तो कैसे वो मेरे पापा न बन जाते, एक बाबूजी हो गए बिल्कुल दूसरे पापा। इस तरह मैं जैसे 9 महीने का गर्भ एक स्त्री वहन करती है, वैसे ही मैंने फिल्मी यात्रा को जिया, लेखन को सीखा। फिर लेखन पूरा, उसका जो थर्ड ड्राफ्ट हुआ वो डॉक्टर राही मासूम रजाक, बहुत बड़े राइटर थे, जी महाभारत लिखी थी उन्होंने, जी तो वो क्या लिखते, वो भी उनको बैठाया और सारे लोग बैठे वहां, सब बैठते थे, पूरे जी जी एग्जामिनेशन होता था, उनको पूरी सुनाई गई। तो अब मैं एक बार जरूर कहूंगी मैं बिल्कुल नई थी और सीख रही थी, लेकिन जो अगर मेरी कहानी का असर कहीं खत्म होता दिखता था तो बोलती नहीं, ये नहीं, ये ठीक नहीं, ये गलत। जैसे कि राही साहब ने, बाकी सब बहुत तारीफ, बहुत वाह 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 क्या बढ़िया,
एक शक डाल दिया हमने। एक शक ये डाला कि देखिए औरत जो होती है अपने पहली मोहब्बत, पहला शौहर, पहला बच्चा सबसे बहुत बहुत जुड़ी रहती है, तो उसे कैसे छोड़ेगी। तो आपने इस मेरे लिए नाम लिखा अचला में हीरोइन जो है वो दूसरे शौहर के राज बब्बर के पास जा रही है, पहला शौहर दीपक पाराशर बोले वहां छोड़ के दूसरे के पास जा रही है, ऐसा ना हो कि फिल्म आपकी करवट दूसरी तरफ ले ले। तो वो बेचारे थोड़े से नर्वस हो गए। यहाँ पर मैं अड़ गई और मेरा साथ दिया जो दूसरी फिल्म बागवान, जो मुझे लगता है बहुत लोग उससे मुझे याद करते हैं, उनके बेटे थे रवि, रवि अब नहीं है, जी चोपड़ा साहब के सुपुत्र थे रवि, रवि और मैं एकदम 11 हो गए, बाकी सब। फिर हम लोगों ने की जीत हुई, बोले नहीं यही तो नई बात है, इस कहानी का नया पॉइंट ही है, नहीं तो आम कहानी हो जाएगी अगर घिसी पिटी वही चली गई उसको, जबकि दूसरा शोहर क्या और पहला शोहर क्या, मोहब्बत 10 बार भी हो जाती है, लेकिन बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। फुलफिलमेंट अगर मिल गया उसको, जिस जगह उसे सब कुछ मिल गया, तो वो छोड़ के क्यों क्या बात जाएगी पहले क्या उसको। बात। तो ये इस तरह कहानी पूरी हुई। उसके बाद गाने की रिकॉर्डिंग महेंद्र कपूर ने पहला गाना किया, फिर किस्मत ऐसी थी कि बीआर फिल्म की सिल्वर जुबली वो भी 81 में, तो मैं पहली बार मैंने यस एयर शूटिंग में जब मैं गई तब उत्तर तक हवाई जहाज में नहीं गई थी, तो वहाँ बेल्ट जी लगाना सलमा आगा ने सिखाया मुझे कैसे बेल्ट लगाते हैं एयरक्राफ्ट में, फिर 5 स्टार होटल कैसे होते हैं वो सब सीखा, सब चीज सीखी, एक नई जिंदगी को जिया सीखा, लेखन ही नहीं सीखा, तो इसलिए मैं कभी पापा को कभी नहीं भूलूंगी, वो मेरे लिए उतने आदरणीय रहेंगे और हैं जितने मेरे बाबूजी मेरे। क्या बात, बहुत ही और खूबसूरत आपकी जर्नी रही, एक से बढ़कर एक फिल्मों का लेखन किया। ईश्वर हो, बागबा हो, तायफ हो, बाबुल हो, निकाहें हो, आखिर क्यों, और आपकी आखिर क्यों के लिए आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और बाबुल के लिए आपको दादा साहब फाल्के अकादमी अवार्ड मिला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी आखिर क्यों मेरी दूसरी फिल्म जब मैंने रिजाइन कर दिया, तो उसके बाद ये जी ओम प्रकाश जी ऋतिक रोशन के नाना, तो ये जी आखिर क्यों मेरी सेकंड फिल्म जो मैंने साइन की थी, और तो स्मिता को कहानी सुनानी, जी तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कैसे सुनेंगी, स्टोरी सुना दूँ, तो स्मिता ने कहा अगर स्क्रिप्ट चाहिए मैं पूरी स्क्रिप्ट सुनूंगी। वाह तो इतना उसने जो कहा, मैं आपको एक बात और कहूँ कि 2 साल ही रही वो मेरे साथ, उसके बाद बहुत 31 की एज में चली गई छोड़ के सबको, लेकिन मेरी दोस्ती, अगर दोस्त एक अलग शब्द होता है, वहाँ किसी एक्टर से दोस्ती हुई तो स्मिता से, और पारिवारिक रिश्ता राजेश खन्ना जी से हमारा आखिर तक रहा बहुत ज़्यादा था। तो स्मिता ने जब कहानी पूरी सुनी तो वो उठ के खड़ी हो गई और उसने दोनों बाहें फैला दी, मुझे गले लगाया और बोली ओम जी वाह, लोग कलम से लिखते हैं असला जी दिल से लिखती सच बात, हैं। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। आपकी लिखी फिल्म ईश्वर कमाल, बाबुल कमाल, तवायफ फीमेल ओरिएंटेड, आपकी सभी फिल्में जो होती हैं वो फीमेल ओरिएंटेड होती हैं और बहुत छूती हैं दिल को। देखिए क्योंकि मैं सहज रह पाती हूँ, महिला हूँ, जी तो जी महिला पात्र अगर को बहुत अच्छी तरह मुखरता के साथ, हालांकि ऐसा नहीं है कादर भाई के साथ एक फिल्म में क्या, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात में बताना भूल गई कि मैं यहाँ से जब गई मथुरा से फिल्मों में, तो ये मैं सोच कर तय करके गई थी, हालांकि वहाँ पापा ने कहा कि तुम सलमा आगा थोड़ी नई रही थी पहली फिल्म, बोले असला तो, और मैं रेडियो वॉइस भी थी, तो रेडियो जी वॉइस में आप जानती होंगी कि कहाँ सांस लेके बोलना है, कहाँ सांस लेनी बिल्कुल है, उससे क्या इम्पैक्ट मिलता है, उससे क्या इम्पैक्ट मिलता है, तो वो एक प्लस पॉइंट था। तो पापा ने कहा जो क्लाइमेक्स था निकाह का, तो राज बब्बर सलमा और ये दीपक, तो बोले इन सबके साथ असला, सलमा से कहा कि अगर तुम अचला का 25% भी कर जाओगी, इसी तरह क्लाइमेक्स उसी पर था पूरा सलमा पर, इस तरह कर जी जाओगी तो फिल्म चल जाएगी।
तो वो मैंने सब रिहर्सल बहुत करवाए। तो पापा कहते थे कि असला तू एक्टिंग कर ले, मेरी फिल्म में अगर राइटर एक्टिंग करता है फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है। मैं कहती मैं फिल्म में एक्टिंग नहीं करूंगी, इसलिए नहीं कि मुझे कोई कुछ कहेगा, लेकिन मैं सबसे ये कहकर आई हूँ घर पर कि मैं तो राइटर हूँ, तो मैं सब कहेंगे झूठ बोल के गई एक्टिंग करने। लेकिन क्या हुआ, बड़े मजेदार बात हुई कि मैं सेट पर जी ही थी और जहाँ से सलमा आगा की मदर का रोल शुरू होता था तो वो बुनियाद में वो चाई जी बनी थी आशा शर्मा, तो वो वहां जी पहुंच नहीं पाई। अब वो चोपड़ा साहब मुझे देखे, पापा बोले तू कपड़े पाके आ जा, कुड़ी जा कपड़े पाके आ। मैंने कहा मैं कपड़े, बोले नहीं, और मैं इतनी घबरा गई, मैंने कहा ये भगवान मुझे नहीं आए मेरे ये वो कपड़े टाइट आए यार। लेकिन वो तो फिर उर्दू जबान लखनवी जबान पान मान मुंह में रखा गया, फिर पूरी कंटिन्यूटी में पहला रोल निकाह का हो गया। तो अब इस तरह आखिर दो में फिर ओम जी बोले कि मेरी एक फिल्म में एक सीन करो, मेरी नहीं चलानी फिल्म में उनको, उसे भेज हाँ करवाओ ताकि डॉक्टर बन गई। फिर ऐसे करते करते जब 5 फिल्में हुए बिना बात, तो कादर भाई कहें तवायफ में, कादर भाई कहते हैं असला तू मेरी तरह दोनों हाथों में लड्डू रख के खाओ, देखो मैं दोनों काम करता हूँ। मैं कहा कादर भाई ये बात नहीं है, देखिए आप कैरेक्टर रोल आपके लिए पुरुष हैं, आप आपके लिए प्राण साहब के लिए कैरेक्टर रोल लिखे जाते हैं, क्या फीमेल बात। एक्टर्स के लिए कहाँ कैरेक्टर रोल, भाभी बन गई बाल सफेद करके आ जाओ, सही बड़ी बहन में बन। तो बोले हाँ ये तो बात है, मैं कहती नहीं मैं नहीं करूँगी, आज राइटर बन के सेट पर जाती हूँ तो बड़े लोग नमस्ते वमस्ते करते हैं, इज्जत मिलती है। तो फिर मैं लिखती ही रही और क्योंकि एक अच्छी इमेज बन गई थी, अच्छे अच्छे लोग शुरू में ही जैसे कि पापा से शुरू हुआ, फिर जी ओम प्रकाश की, फिर अपने आप नगीना श्रीदेवी की हिट फिल्म नगीना सुपर हिट जी। फिल्म जो इच्छाधारी नागिन पर नगीना। और मैं एक बात बताऊं, अब सीक्वल बहुत बन रहे हैं, बहुत गोलमाल गोलमाल बहुत, नगीना का सीक्वल पहली बार इंडियन सिनेमा में निकाहे बिना निकाह है, पहला सीक्वल था जो वो भी मैंने लिखा। इस तरह चलता रहा सिलसिला, फिर ईश्वर जो थी वो साउथ की बहुत पहली फिल्म खूबसूरत, थी, बहुत बहुत खुशी खूबसूरत फिल्म। लगती, तो वो वहां के बहुत बड़े के विश्वनाथ जी बहुत बड़े जी डायरेक्टर माने जाते थे वहां, जी गॉड कहते थे लोग। तो वो मेरा सौभाग्य है कि मुझे अच्छे लोगों के साथ काम मिला, तो मुझे मैं कहूंगी कि मुझे सीखने को मौका मिला। हमेशा कहना चाहिए जो भी क्रिएटिव पर्सन हो, चाहे वो नाटक से जुड़ा हो चाहे वो लेखन से जुड़ा हो, वो हमेशा अगर स्टूडेंट बना रहेगा, खुद को छात्र मानेगा और कहेगा मुझे सीखना है, और जिस दिन उसने मान लिया कि मैं तो परफेक्ट, उस दिन मुझे लगता है उसका आखिरी दिन हो जाता है। सीखते रहो सीखते रहो। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। मेरे पास दो सवाल हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक तो मेरे पास ये है कि जो नई जनरेशन है उसको आप क्या कहना चाहेंगी, और दूसरा सवाल वो मेरी तरफ से कि आप इतनी खूबसूरत हैं इस उम्र में भी, और आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग है, इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप इसके पीछे क्या गॉड, राज है, ये सवाल मैं अपनी तरफ से पूछ रही हूँ मैं ब्लश करने लगूंगी इस बात पर। हाँ मैं क्या कहूंगी, क्या बात है। तो जहाँ तक ये बात आप कह रही हैं तो ये तो माता पिता का होता है, स्किन के बारे में डॉक्टर से भी सुना है कि काफी कुछ स्किन का में सबसे बड़ा हाथ पेरेंट्स का होता है। और जी दूसरी बात है कि मैंने कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करती, और तीसरी बात जो मैं वाकई में कहूंगी शायद उसका है असर, मैं बिल्कुल दबा के वो 40 मिनट्स योगा प्राणायाम करती हूँ क्या बात। और बहुत अच्छा होता है वो, आपकी स्किन एटलीस्ट इस एज में टाइट वाइट रहती है, बिल्कुल ग्लो भी शायद करती है और टाइट भी रहती है, तो योगा भी करती है। जी तो ये है। और दूसरी जो बात कह रहे हैं अपने जो मेरे दर्शक हैं या नए बच्चे हैं या नए न्यू यंगर जनरेशन है, उसको मैंने देखे पहले ही बातों बातों में मैं कह चुकी हूँ कि मेरा जो सफलता का मंत्र है कि मैंने पहले डिसाइड किया मन ही मन कि मैं ये करूंगी, टेढ़ा जी रास्ता है तो क्या हुआ मुझे चलना ही, जी वो मैंने डिसाइड जी कर लिया। और सफर कितने वो भी मैं टेंटेटिव डिसाइड कर लिया, ढील डाल दोगे तो भैया ऐसे ही है। तो जी आप संकल्प लीजिए और नियम करिए कि इतना समय देना ही है, योगा करना ही है मुझे,
इतना टाइम से दुनिया। और ट्रेन में अगर होती हूँ, फ्लाइट से तो आकर लेती हूँ, ट्रेन में हूँ तो जी अलग से, तो मैं कभी एक दिन मिस नहीं करती। तो जी एक तो नियम और संकल्प लीजिए, दूसरा अपना आपका व्यक्तित्व अंदर से कैसा है, जैसा आपका स्वभाव, जैसा दिल, जैसी सोच, वो जरूर आपके व्यक्तित्व में नजर आती है। अगर आप ऊपर से बिल्कुल लाख मेकअप कर दीजिए, अगर आप अंदर से अच्छे इंसान नहीं है, तो आप कभी, दिल खूबसूरत होना चाहिए, सोच वाकई खूबसूरत होनी चाहिए, तो वाकई आप एक मुकम्मल इंसान होना चाहिए। कोई धर्म, जाति, ये सब मैं कुछ नहीं मानती। मेरा एक पूरा एक उपन्यास तो मेरा अभी 2 साल पहले मंगला से शयन तक वो है ही कि बाबूजी, मैं एक पत्र के, पत्र तो बहुत लिखे, एक पत्र का जिक्र करूंगी। हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम माता पिता से दूर, तो पत्र लिखा करते थे हमको। पत्र लिख के ही उन्होंने परवरिश दी हमको। उसमें वो हमेशा कहते थे, तो एक बार जब वो आए आगरा, तो मुझे ये लगे कि सबके माता पिता तो उनके पास होते हैं, स्कूल के फंक्शंस में भी जानते हैं। और मेरे बाबू जी, तो एक फॉर्म भरना था और स्कूल का, तो मैंने कहा बाबू जी मेरा एक फॉर्म भर दीजिए। तो उसमें एक था धर्म का कॉलम, तो जी मैंने देखा, मैं उस समय 7 साल की, सेवन ईयर, जी तो बाबूजी ने लिखा मानवता, क्या ब्राह्मण हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं लिखा, मानवता। और मैं सच बात कहती हूँ, इतने बढ़िया धर्म में दीक्षित किया उन्होंने कि मैं मानव बन सकी, इसीलिए मैं अच्छी लगती हूँ, इसीलिए आपको अच्छी लग रही हूँ, मेरी सोच वही है जो मैं बोल रही हूँ, और क्या मुझे किसी बात, का डर नहीं। तो बहुत मैं सबसे खूबसूरत। कहूंगी, सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद बंटवारा मत करो, अपनी शख्सियत का बंटवारा मत करो, ना बहुत होने दो। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी रही आपकी, और हम सभी को इतना आपसे बात करते इतना अच्छा लगा, और हम लोग इतने इंस्पायर हुए हैं, और आई एम श्योर जितने भी यंग जनरेशन हमें देख रही हो, सुन रही हो, उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी आपकी इस जर्नी से। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आप यहाँ आई और आपने अपनी बातें हमसे शेयर की, हमें इंस्पायर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे, आपकी वजह से बच्चे, आप तो बच्चे हो, और आपकी वजह से इतने दर्शकों को आपने जुटाया, इतने लोगों को बोला, सबने मुझे झेला, उन सबके लिए भी मैं अरे शुक्रगुजार हमारे हूँ। लिए और अपने सभी छोटे लोगों को आशीर्वाद, प्यार दे रही हूँ, और चाहती हूँ जिंदगी में खूब आगे बढ़े, और चेहरों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, और दूसरों को भी मुस्कुराहट के तोहफे। नमस्ते। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं सभी के आज नाम नहीं ले पाई, लेकिन तहे दिल से उन सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारी हौसला अफजाई के लिए। और हमारे जो शख्सियत का जो अगला अंक होगा, आज क्योंकि शनिवार है, शख्सियत का अगला अंक 7 बजे होगा, जिसमें हमारे साथ जम्मू कश्मीर के एक बेहतरीन गायक हैं, सूफी बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाते हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज है उनकी, काबुल बुखारी साहब हमारे साथ 7 बजे जुड़ेंगे, उनकी शख्सियत से हम रूबरू होंगे। और 8:30 पर, 8:30 एक संगीत की एक महफिल होगी, म्यूजिकल इवनिंग होगी 8:30 बजे, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगी क्लासिकल सिंगर है सविता जी। तो रहिएगा हमारे साथ और हमारी हौसला अफजाई करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए मिलते हैं शाम को 7 बजे। नमस्कार।